हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडेज सेशन। आज के सेशन में हम लोग साइंस 2024 सीबीएसई बोर्ड का जो प्रीवियस ईयर पेपर है, बोर्ड का पेपर है, उस पेपर को हम लोग थोड़ा डिस्कस करने वाले हैं। मेनली साइंस पेपर का, साइंस पेपर में होता क्या है। साइंस पेपर में तीन पार्ट रहता है ना, तीन पार्ट रहता है, क्या क्या रहता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। सो आज हम लोग मेनली फिजिक्स वाला जो पार्ट है, जिसमें चार चैप्टर्स को हम लोग थोड़ा अच्छे से डिटेल्स में पढ़ने वाले, क्या क्या क्वेश्चन आते हैं फिजिक्स पार्ट से वो हम लोग देखेंगे अलोंग विद सॉल्यूशन। एंड मैं ही इसको अभी क्वेश्चन पेपर में ही सॉल्व करके दूंगा, ठीक है। किस तरीके का आंसर लिखना है, कैसे लिखना है, वो सब हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन पेपर है 2024 का, 24 का, इस साल का, ठीक है। जस्ट अ मिनट, हाँ 2024 का पेपर है। एंड मेनली कौन सा पार्ट हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, फिजिक्स वाला पार्ट, जिसमें से चार चैप्टर। चार चैप्टर मतलब कौन सा, चार चैप्टर मतलब नंबर वन लाइट, लाइट हो गया रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन पार्ट। नंबर टू हो गया ह्यूमन आई, ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। नंबर थ्री हो गया इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी। नंबर फोर हो गया मैग्नेटिक इफेक्ट, ठीक है, मैग्नेटिक, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ यहाँ पे। तो ये चार जो चैप्टर्स है, इन चार चैप्टर्स में जो जो क्वेश्चन, जिस तरीके का क्वेश्चन आया है वो हम लोग देखने वाले हैं। तो एक्चुअली इसके पीछे का क्या रीज़न है, रीज़न ये है कि क्वेश्चन पैटर्न हम लोग को समझना है, ठीक है। क्या समझना है, क्वेश्चन पैटर्न हम लोग को समझना है, ठीक है। देखो, सो फर्स्ट जो सेक्शन है यहाँ पे शुरुआत हुआ है केमिस्ट्री के क्वेश्चन से। यहाँ पे भी केमिस्ट्री का क्वेश्चन आया है, नेक्स्ट हाँ क्वेश्चन नंबर 8 में बायो का क्वेश्चन मिला है, बाकी पहला का जो सातों क्वेश्चन था वो पूरा केमिस्ट्री से एमसीक्यू आया है, ठीक है, वो भी इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे कंटिन्यूअसली बायो का क्वेश्चन यहाँ पे मिलेगा, अप टू इलेवन तक बायो का क्वेश्चन गया, अप 12 यहाँ पे हम लोग को एक एमसीक्यू क्वेश्चन मिला, ठीक है। देखते हैं क्या लिखा है। एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम अ कॉन्वेक्स लेंस शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड टू गेट एन इमेज ऑफ द सेम साइज एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन द स्क्रीन। अब तुम लोग को ध्यान से देखना है कि सेम साइज, ठीक है, सेम साइज कौन सा लेंस में, कॉन्वेक्स लेंस में। कॉन्वेक्स लेंस में सेम साइज कहां पे मिलता है, 2f में, क्लियर, 2f कहां पे ऑप्शन है, बियॉन्ड, नहीं नहीं बियॉन्ड 2f नहीं होगा, ट्वाइस द फोकल लेंथ, ट्वाइस द फोकल लेंथ मतलब 2f में जब हम लोग प्लेस करेंगे कहाँ पे मिलेगा, सेम साइज मिलेगा, 2f में मिलेगा, सेम डिस्टेंस पे मिलेगा, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, पहले बार बार बोल रहा हूँ तुम लोग को, कॉन्सेप्ट रे डायग्राम, स्पेशली इस चैप्टर से रे डायग्राम, ठीक है, एक एक रे डायग्राम मैंने करवा दिया है इस चैनल पे, तो तुम लोग जाके देख सकते हो, पूरा का पूरा है ये जो लाइट चैप्टर है, पूरा का पूरा है, अलग तरीके का प्लेलिस्ट बना के मैंने पब्लिश किया हुआ है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ह्यूमन आई से आया है, लेंस सिस्टम ऑफ ह्यूमन आई फॉर्म्स एन इमेज ऑन ए लाइट सेंसिटिव स्क्रीन, जिसका नाम क्या है, ह्यूमन आई में जो स्क्रीन किसको बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं रेटिना को, डेफिनेटली रेटिना में इमेज फॉर्म होता है, ठीक है। किस टाइप का इमेज, इन्वर्टेड इमेज, याद रखो, कैसा इमेज, इन्वर्टेड एंड रियल, ऑब्वियसली रियल एंड इन्वर्टेड इमेज फॉर्म होता है। तो दो एमसीक्यू ऑलरेडी मिल गया, तो यहाँ पे हम लोग को 1-1 एंड अगेन पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस इनसाइड करंट कैरिंग सोलिनॉइड। सोलिनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड किस तरीके का होता है, देखो सोलिनॉइड होता क्या है, ये होता है सोलिनॉइड, ठीक है। अब सोलिनॉइड जस्ट लाइक क्या होता है, बार मैग्नेट, तो इसमें भी ऐसा होता है इस तरीके का। अब थोड़ा ध्यान से देखो अंदर वाला पोर्शन को, देखो अंदर वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन क्या है, ये वाला पोर्शन किस तरीके का है, दिस इज ऑलमोस्ट पैरेलल, यहां से जो ये पोर्शन है ऑलमोस्ट पैरेलल है, ठीक है, क्लियर है। तो ये हो गया ऑप्शन ए, क्लियर। नेक्स्ट,
ये हिंदी वाला पार्ट है, हिंदी वाला पार्ट हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे। एसर्शन रीजन में भी कुछ आया नहीं फिजिक्स पार्ट से। नेक्स्ट हम लोग जाते हैं क्वेश्चन नंबर 19 20। हाँ 20, रेनबो इज नेचुरल स्पेक्ट्रम। 20 नंबर क्वेश्चन देखो फिजिक्स का है। रेनबो इज ए नेचुरल स्पेक्ट्रम ऑफ सनलाइट इन द स्काई, ट्रू और फॉल्स? यस ये करेक्ट है, ये तो सही है। रेनबो इज फॉर्म्ड इन द स्काई, रीजन को पढ़ते हैं। रेनबो इज फॉर्म्ड इन द स्काई व्हेन सन इज ओवर हेड एंड वाटर ड्रॉपलेट्स आर ऑल्सो प्रेजेंट इन द स्काई। ये वाला पोर्शन तो करेक्ट है, वाटर ड्रॉपलेट प्रेजेंट होना चाहिए, बट क्या ये ओवर हेड होना चाहिए? नहीं, ये जस्ट बैक ऑफ अ पर्सन होना चाहिए, तो ये गलत है। एसर्शन ट्रू, रीजन फॉल्स। रीजन क्या होगा? रीजन फॉल्स, तो ऑप्शन शायद यहाँ पे देखना पड़ेगा। हाँ एसर्शन ट्रू, रीजन फॉल्स, ऑप्शन सी रहेगा ना, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। सी इज द आंसर, क्लियर? ओके नेक्स्ट। नेक्स्ट यहाँ पे केमिस्ट्री का, बायो का, हाँ 24 नंबर, 24। ओके क्या बोला है? एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कॉन्वेक्स मिरर, मार्क करना है। तो हम लोग कैसे लिखते हैं? गिवन करके, यहाँ पे मैं छोटा करके लिख रहा हूँ, ठीक है। क्या बोला? ऑब्जेक्ट इज 2 मार्क्स का, तो ध्यान रखो 2 मार्क्स का इजी क्वेश्चन आया है। यू इक्वल टू कितना है? 10 सेंटीमीटर। कॉन्वेक्स मिरर ऑफ फोकल लेंथ एफ कितना है? 15 सेंटीमीटर। अब मैंने एक चीज नहीं लिखा, क्या नहीं लिखा? साइन कॉन्वेंशन, यू इक्वल टू -10 सेंटीमीटर होगा, एंड कॉन्वेक्स मिरर का, कॉन्वेक्स मिरर का फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है। फाइंड द पोजिशन ऑफ इमेज, इमेज निकालो। तो मिरर है 1/u + 1/v = 1/f, ठीक है, 1/v = 1/f - 1/u, ठीक है, मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। सो 1/v = 1/f कितना है? 15, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/10, ठीक है, 30 हो जाएगा। यहाँ पे 2 + 3 दैट मीन्स 5/30, कैंसिल करके 6, तो v = 6 सेंटीमीटर। दिस इज द आंसर, सिंपल आंसर है, छोटा आंसर है, 2 मार्क यहाँ पे मिल जाएगा तुम्हें, ठीक है, इस तरीके से लिखना है। 25, शो हाउ वुड यू कनेक्ट 3 रेजिस्टर्स। अब इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर से क्वेश्चन आए, इच ऑफ रेजिस्टेंस 6 ओहम सो दैट द कॉम्बिनेशन हैज रेजिस्टेंस ऑफ 9 ओहम। अब बोला है कि इस साइड में मैं कर रहा हूं, क्या बोला है कि 3 रेजिस्टर है, ठीक है, 6 करके है, अब तुम्हें 9 लाना है। अब दैट मीन्स क्या? 6 + 6 + 6 तो सीरीज में नहीं हो सकता, 18 हो जाएगा। दैट मीन्स हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल 2 को कनेक्ट करते हैं, 1/R1 लिखते हैं, 1/6 + 1/6, मतलब 2 को पैरेलली कनेक्ट करते हैं, तो कितना होगा? 2/6 दैट मीन्स 1/3, तो R1 कितना आएगा? 3 आएगा, 3 ओहम, ठीक है, 3 ओहम। अब 3 ओहम के साथ क्या ऐड करने से 9 होगा? और एक है 6, तो R टोटल हो जाएगा R1 + 6, यानी कि 3 + 6 विच इज 9 ओहम। तो लिखना क्या है? 2 रेजिस्टर्स इन पैरेलल विथ अनदर रेजिस्टर्स इन सीरीज, ठीक है, ये हो गया आंसर। तो इसका भी आंसर बहुत इजी क्वेश्चन है, आ गया 2 मिल गया, क्लियर? नेक्स्ट, हाँ और वाला पोर्शन में क्या दिया है? इन द गिवन सर्किट कैलकुलेट द पावर कंज्यूम्ड इन व्हाट इन द 2 ओहम रेजिस्टर, ये 2 ओहम रेजिस्टर कितना पावर कंज्यूम करता है, ठीक है, वेरी गुड। पहले टोटल रेजिस्टेंस निकालते हैं, टोटल रेजिस्टेंस इजी है, कितना है? 3 ओहम आ जाएगा। वी गिवन है 6 वोल्ट, तो v = IR हम लोग को पता है ना, तो I = V/R, V कितना है? 6, R कितना है? 3, यानी कि 2 एम्पेयर। तो 2 एम्पेयर का करंट यहाँ से फ्लो हो रहा है, तो इससे भी, क्योंकि सीरीज में तो सेम रहता है 2 एम्पेयर का करंट, तो इससे भी ये 2 ओहम से भी 2 एम्पेयर का करंट फ्लो होगा। तो पावर का फॉर्मूला क्या है? पावर का फॉर्मूला है I²R, ठीक है, I कितना है? 2² × R है 2, यानी कि 4 × 2, यानी कि 8 वाट। दिस इज द आंसर, फुल मार्क्स मिलेगा, 2 मार्क्स, 5 मिनट भी नहीं लगता ये सब अगर तुम लोग ध्यान से करके जाओगे तो, ठीक है। नेक्स्ट 26, 26 में क्या बोला है? 26 आया है मैग्नेटिज्म चैप्टर से, मैग्नेटिक फील्ड इफेक्ट वो चैप्टर से।
टू मैग्नेटिक फील्ड डू नॉट क्रॉस ईच अदर, वाई? दो मैग्नेटिक फील्ड अगर क्रॉस करेगा, सपोज एक जा रहा था इधर एक जा रहा था इधर, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, तो दोनों का हम लोग कैसे देते हैं टेंजेंट, तो टेंजेंट ड्रॉन एट इंटरसेक्टेड पॉइंट विल गिव टू डायरेक्शन विच इज नॉट पॉसिबल, ये लिखना है सिर्फ इतना ही, खत्म, क्योंकि इसमें वन मार्क्स है, इसमें वन मार्क्स है। हाउ इज यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इन ए गिवन रीजियन रिप्रेजेंटेड? अब एक रीजियन में यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? सिंपल, एरो दे दो, कैसे? बाय पैरेलल लाइंस। आंसर क्या होगा? पैरेलल लाइंस, पैरेलल लाइन से, फिर उसके बाद डायग्राम दे दिया, खत्म। यहाँ पे वन वन टू मिल गया, इजी क्वेश्चन है। चलो नेक्स्ट, यहाँ पे आया तुम्हारा ये बायो का क्वेश्चन एंड केमिस्ट्री का क्वेश्चन, उसके बाद हाँ यहाँ पे कुछ फिजिक्स का दिख रहा है, रिफ्लेक्स एक्शन, हाँ ये वाला 31 ह्यूमन आई वाला पार्ट से। ओके क्या बोला देखते हैं। अच्छा, स्टडी द डायग्राम गिवन बिलो एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ठीक है, डायग्राम देख लिया मैंने, नेम द डिफेक्ट। अब देखो ये है इमेज, इमेज कहाँ पे फॉर्म हो रहा है? आईक्स के, आई का जो रेटिना है उससे बाहर, दैट मीन्स इसका आंसर हो जाएगा हाइपरमेट्रोपिया। ठीक है, मिल गया, मार्क्स कितना है देखो, 3 मार्क्स। ठीक है, यहां पे मिल गया, गिव रीजन फॉर योर आंसर, क्यों? बिकॉज आंसर क्या लिखते हैं, बिकॉज इमेज इज फॉर्म्ड, इमेज इज फॉर्म्ड बियॉन्ड रेटिना, जैसे हम लोग को पता चला वैसे ही हम लोग को आंसर लिखना है, बस इतना, यहाँ पे 1 मार्क्स मिल जाएगा। लिस्ट टू कॉज ऑफ इफेक्ट, क्या क्या कॉज है? दो कॉज है क्या? फोकल लेंथ बिकम्स, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, फोकल लेंथ बिकम्स टू लॉन्ग, या फिर फोकल लेंथ ज्यादा हो गया इस लेंस का ताकि फोकस नहीं कर पाए, या फिर आई बॉल बिकम्स टू शॉर्ट, शॉर्ट हो गया, है ना, ये रीजन हो सकता है। चलो यहां पे भी मार्क्स मिल गया। विद द हेल्प ऑफ डायग्राम हाउ दिस इफेक्ट ऑफ विजन इज करेक्ट। अब इसका करेक्शन, यहां पे और एक फिगर है, जस्ट कुछ नहीं करना, यहां पे एक क्या लेंस लगाना, कन्वेक्स लेंस, मार्क करके दे दो ऐसे, कन्वेक्स लेंस, ये डायग्राम तुम्हें ड्रॉ करके दिखाना है, बस खत्म। फिर यहाँ पे डॉटेड लाइन से यहाँ से ऐसे लेके, थोड़ा मैं जूम करता हूँ, देखो ये जस्ट यहाँ पे ड्रॉ कर देना है कि मैंने यहाँ पे रेटिना पे लाया, ठीक है, रेटिना पे क्या लाया, इमेज फॉर्म हुआ, जो पहले था ये आई डैश, अब इमेज फॉर्म हो रहा है यहाँ पे आई, क्लियर है, वेरी सिंपल। आंसर क्या होगा, कन्वेक्स लेंस यहाँ पे यूज करना है। ओके तो ये भी आ गया, यहाँ पे 3 मार्क्स मिल गया, देखो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन, ये जो तुमने लिखा हाइपरमेट्रोपिया इसके ऊपर हाफ मिलेगा, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन इंपॉर्टेंट है, इमेज इज फॉर्म बियॉन्ड रेटिना इसके ऊपर हाफ मिलेगा, दो कॉज के लिए हाफ हाफ, इसका आंसर में हाफ, इसका आंसर में हाफ, और जो डायग्राम तुमने ड्रॉ किया उसके ऊपर 1, क्लियर, टोटल 3 मार्क्स। नेम, अब देखो स्टेटमेंट भी कैसा आता है, नेम एंड स्टेट, कोई कोई स्टूडेंट स्टेटमेंट को देखता नहीं है, लिखता नहीं है, नेम लिख के छोड़ के आता है, उसको मार्क्स कम मिलता है। ठीक है, नेम एंड स्टेट, द रूल टू डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस अराउंड द करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर। अब एक स्ट्रेट कंडक्टर है सपोज ये, ठीक है, यहाँ से करंट फ्लो रहा है, अब इसके अक्रॉस में ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ऐसे, तो किस रूल से हम लोग पता करते हैं, राइट हैंड थंब रूल, इसको किसने दिया, मैक्सवेल, मैक्सवेल्स राइट हैंड थंब रूल। ठीक है, इसमें स्टेटमेंट क्या लिखना है, राइट हैंड थंब रूल क्या स्टेट करता है, कि अगर थंब, इफ थंब इज पॉइंटेड टुवर्ड द डायरेक्शन ऑफ करंट, थंब को डायरेक्शन ऑफ करंट के डायरेक्शन में प्लेस कर दो, देन द अदर फिंगर कर्ल्स विल गिव द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, अदर जो 4 फिंगर है वो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देगा, बस इतना ही लिखना है, खत्म। ये थोड़ी ना सीखना पड़ता है, मत सीखो, अपने आप से बना के लिखो, कि स्टेटमेंट भी अपने आप से बना के लिखने से भी लगेगा कि यह नहीं बुक का डेफिनेशन लिखा है। ठीक है, नंबर 2, फोर्स एक्सपीरियंस बाय करंट कैरिंग स्ट्रेट
कंडक्टर प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड, ये कौन सा हो जाएगा? फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, ये वाला याद है? बिल 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 याद है? फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, इसमें क्या है? फ्लेमिंग्स लेफ्ट रूल क्या बताता है? फादर मदर चाइल्ड, ठीक है, फोर्स, थंब रिप्रेजेंट फोर्स, ठीक है, मदर एम, एम मीन्स मैग्नेटिक फील्ड, द इंडेक्स फिंगर रिप्रेजेंट मैग्नेटिक फील्ड एंड द मिडिल फिंगर रिप्रेजेंट करेंट एंड ऑल आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, बस इतना ही लिखे, खत्म खत्म, फुल मार्क्स 3 मार्क्स, ठीक है, चलो नेक्स्ट नेक्स्ट यहाँ पे आया है, ओके केमिस्ट्री का क्वेश्चन एंड शायद खत्म है यहाँ पे, सेक्शन डी, सेक्शन डी तो रहता है इसमें, बायो का क्वेश्चन आया है, बस ठीक है, हाइड्रा वाला पोर्शन यहाँ पे देखते हैं, हाँ इलेक्ट्रिक पावर, यहाँ पे और एक क्वेश्चन है इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से, डिफाइन इलेक्ट्रिक पावर, इलेक्ट्रिक पावर का डेफिनेशन क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिक पावर मीन्स एनर्जी पर यूनिट टाइम, एनर्जी बाय टाइम हो गया, एक्सप्रेस इट इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस एंड रेजिस्टेंस, पोटेंशियल डिफरेंस और रेजिस्टेंस का एक फॉर्मूला लगाओ, पी इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर, हो गया ये फॉर्मूला, मिल गया, और क्या चाहिए, ठीक है, 5 मार्क्स है यहाँ पे, शायद 2 मार्क्स मिल जाएगा तुम्हें। यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया है, इलेक्ट्रिक ओवन इज डिजाइन टू वर्क ऑन अ मेन्स 220 वोल्ट में काम कर रहा है, दिस ओवन कंज्यूम्स 11 यूनिट, 11 यूनिट का मतलब क्या होता है? किलो वाट आवर, याद रखना, टाइम दिया हुआ है 5 आवर, कैलकुलेट द पावर रेटिंग, नंबर वन पावर इक्वल टू एनर्जी बाय टाइम, एनर्जी कितना है 11 किलो वाट आवर, बाय टाइम कितना है 5 आवर, आवर और कैंसिल, दैट मीन्स 11 बाय 5 किलो वाट, किलो को अगर तुम वाट में कन्वर्ट करोगे 11000 बाय 5 वाट, जो आंसर आएगा वही हो जाएगा पावर, इसको सिंप्लीफाई कर दो, खत्म, ठीक है। करंट ड्रॉन बाय द ओवन, करंट, करंट कैसे पता करोगे? पी इक्वल टू, देखो मैं नंबर में कैसे करना है वो बता रहा हूँ, पी इक्वल टू वी आई, ठीक है, तो आई क्या हो जाएगा, करंट निकालना, पी बाई वी, पावर कितना है 11000 बाय 5, बाय वी कितना है 220, 00 काटो, ठीक है, 11 से 100, 11 से 2, ठीक है, और यहाँ पे ये कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा 10 एम्पेयर, खत्म, क्लियर। रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस का और क्या फॉर्मूला है, सी, सी नंबर रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस यहाँ पे कैसे निकालोगे, पी इक्वल वी निकल गया, आई निकल, वी इक्वल टू आई आर, ठीक है, आर इक्वल टू वी, वी कितना है 220 बाय आई, आई कितना है 10, दैट मीन्स 22 ओम, मिल गया तुम्हें 3 मार्क्स यहाँ पे, और कुछ नहीं चाहिए, सिंपल फॉर्मूला यूज करना है और फॉर्मूला को लिखना है, हाँ ये जो फॉर्मूलास है फॉर्मूला को लिखना है, क्योंकि फॉर्मूला के फॉर्मूला का लिखने से भी यहाँ पे हाफ मार्क्स दे देते हैं, याद रखना ऑलवेज, ठीक है, ये जो फॉर्मूलास है यहाँ पे मैंने डायरेक्ट किया, बट यहाँ पे फॉर्मूला यूज करना चाहिए, ठीक है, ओके। और वाला पोर्शन में देखते हैं, सेक्शन ई भी है ना, ओके ठीक है, राइट द रिलेशन बिटवीन रेजिस्टेंस, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी एंड लेंथ क्रॉस सेक्शन लीजिए, दैट मीन्स आर इक्वल टू रो एल बाय ए, किस किस टॉपिक से क्वेश्चन है वो इंपॉर्टेंट है, हैंस डिराइव एसआई यूनिट, ठीक है, एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी, एसआई यूनिट क्या होगा, ओहम मीटर, ये हो गया एसआई यूनिट, मिल गया मार्क्स, खत्म। रेजिस्टेंस ऑफ लेंथ ऑफ 3 मीटर इज 60, एरिया दिया हुआ है, कैलकुलेट द रेजिस्टिविटी, तो रो हो जाएगा आर ए बाय एल, आर हो जाएगा तुम्हारा 60, एरिया, एरिया दिया हुआ है 4 × 10⁻⁷ बाय लेंथ, लेंथ कितना है 3 20 ना, 8 × 10⁻⁶ ओम मीटर, देखो ऐसे ही हो रहा है, 1 मिनट भी नहीं लग रहा है ये सब आंसर करने में, ये हो गया, ये हो गया, खत्म। स्टेट हाउ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी बी अफेक्टेड इफ वायर इज स्ट्रेच टू लेंथ इज डबल्ड, लेंथ को डबल कर दिया, तो लेंथ डबल करने से रेजिस्टिविटी अनचेंज्ड रहता है, ठीक है, अनचेंज्ड,
आंसर होगा अनचेंज। क्यों? क्योंकि रेजिस्टिविटी सिर्फ डिपेंड करता है किसके ऊपर, ये रेजिस्टिविटी डिपेंड करता है टेम्परेचर एंड मेटेरियल के ऊपर, याद रखना किसके ऊपर, टेम्परेचर एंड मेटेरियल, टेम्परेचर एंड मेटेरियल के ऊपर ओनली डिपेंड करता है। तो ये लेंथ को डबल करना, एरिया को कम करना, इसके ऊपर डिपेंडेंस है ही नहीं, ठीक है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये मेटल वाला पोर्शन है यानी कि केमिस्ट्री, एंड ये बायोलॉजी का क्वेश्चन है, हाँ यहाँ पे शायद ये लास्ट क्वेश्चन है। 39 देखो लाइट से आया है 5 मार्क्स। क्या बोला है कि इन विच ऑफ द अबव केसेस विल फॉर्म डिमिनाइज्ड इमेज। देखो ये जो पूरा पहले भी एक क्वेश्चन हमने किया था जिसमें देखा कि टोटली जो रे डायग्राम है उसके बेस पे आया है, यहाँ पे भी रे डायग्राम बेस्ड आया है। मिरर का 3 केस दिया हुआ है, ठीक है, ए बी सी। ओके अच्छा ओके, 3 कॉनकेव मिरर बोला है, ठीक है। स्टडी द डाटा गिवन बिलो शोइंग द फोकल लेंथ ऑफ 3 कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर दिया ए बी सी, ठीक है। डिस्टेंस मिरर ए बी सी, फोकल लेंथ दिया हुआ है एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया हुआ है, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, विच वन ऑफ द अबव केसेस द मिरर विल बी मिरर विल फॉर्म डिमिनिज्ड इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट। डिमिनिज्ड इमेज किस में मिलेगा, ठीक है। डिमिनिज्ड इमेज कम मिलता है जनरली फोकल लेंथ के बाद, नहीं ट्वाइस एफ मीन्स सेंटर ऑफ कर्वेचर के बाद। तो देखो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 45, फोकल लेंथ 20 है, तो फोकल लेंथ अगर 20 होगा इसका सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर का हम लोग एक टेबल बना लेते हैं, यहाँ पे क्या होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर मतलब सी, ठीक है। सेंटर ऑफ कर्वेचर कितना होगा इसका, फोकल लेंथ का डबल 40, 15 का होगा 30, 30 का होगा 60, ठीक है, हो गया। तो देखो ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, ऑब्जेक्ट है 45 यानी कि बियॉन्ड सी, तो बियॉन्ड सी दैट मींस आंसर होगा मिरर ए। मिरर कौन सा होगा, मिरर ए आंसर। रीजन क्या होगा, रीजन लिखना है कि जस्टिफाई बोला ना, रीजन लिखना है कि ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड सी, ऑब्जेक्ट कहाँ पे, बियॉन्ड सी, ठीक है, दैट इज वाई डिमिनिश्ड इमेज आ रहा है। लिस्ट टू प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज फॉर्म्ड इन टू, केस टू में इसमें दो प्रॉपर्टीज बोला है, क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 30 यानी कि ये सी सेंटर ऑफ कर्वेचर में बिठाया गया है, दैट मीन्स आएगा क्या, सेम साइज आएगा एंड रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है, दो प्रॉपर्टी लिख दिया। थर्ड, व्हाट इज द नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज फॉर्म्ड इन सी, सी में क्या नेचर हो सकता है। देखो फोकल लेंथ 30, ऑब्जेक्ट बिठाया फोकल लेंथ के अंदर 20, तो वर्चुअल इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट। अब बोला है कि ड्रॉ रे डायग्राम, अब रे डायग्राम कैसा होगा, देखो मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, कॉनकेव मिरर ना, ये हो गया कॉनकेव मिरर, ठीक है, ये हो गया फोकल लेंथ, ये हो गया सी, ऑब्जेक्ट इसके अंदर, ये ऑब्जेक्ट, तो पैरेलल रे कहाँ पे जाएगा, ये गया ऐसे, ठीक है, ये क्लियर है, और एक जाएगा इस तरीके से, हाँ, तो ये कभी मीट होगा, मीट नहीं होगा, तो दैट मीन्स इसको डॉटेड लाइन से करीब करीब यहाँ पे मीट हो रहा है, कहाँ पे मीट हो रहा है, बियॉन्ड द मिरर, ओके, ये हो गया, ए बी दे दो और इसको ए डैश बी डैश, समझ में आया, रे डायग्राम ड्रॉ कर दिया, तो इसलिए इसका वर्चुअल इरेक्ट आ रहा है, ठीक है, फाइन। नेचर एंड साइज, अच्छा साइज क्या होगा, एनलार्ज्ड, बड़ा हो गया एनलार्ज्ड, ठीक है। थर्ड एंड लास्ट क्वेश्चन आई थिंक, क्या बोला, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस, दैट मीन्स यू गिवन, इस साइड में लिख देते हैं, हाँ गिवन लिख के करते हैं यहाँ पे, गिवन क्या दिया है, यू माइनस 18 सेंटीमीटर फ्रॉम ए पोल ऑफ कनकेव मिरर, फोकल लेंथ कितना है, कनकेव का माइनस होता है माइनस 12 सेंटीमीटर, फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज फॉर्म इन दिस, इतना इजी पता नहीं, इतना इजी कैसे देता है, सेम क्वेश्चन बार बार रिपीट कर दिया मिरर का, तो 1 बाई एफ इक्वल टू 1 बाई यू प्लस 1 बाई वी, तो 1 बाई वी कितना हो गया, 1 बाई एफ माइनस 1 बाई यू, ये प्लेस करके आंसर निकालो, दिस इज होमवर्क, एंड इसका आंसर कमेंट बॉक्स में
प्लेस करो, कमेंट करो, ठीक है। कमेंट में इसका आंसर लिख दो कि वी इक्वल टू इतना आ रहा है, ठीक है। देखते हैं कौन कौन कर पाता है। आई होप तुम लोग सभी कर पाओगे क्योंकि बहुत इजी क्वेश्चन है एंड क्वेश्चन भी बहुत इजी टाइप का आया है। एंड नेक्स्ट आई होप यहाँ पे और कोई क्वेश्चन नहीं है, ये लास्ट क्वेश्चन था। तो फिजिक्स पार्ट से बहुत सारे क्वेश्चन आता है, मैक्सिमम क्वेश्चन क्या कॉन्सेप्चुअल तो है ही, उसके साथ तुम्हें रे डायग्राम लाइट चैप्टर से क्लियर होना चाहिए। इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से न्यूमेरिकल्स आते हैं, दो दो न्यूमेरिकल्स आए ऑलरेडी, एंड वो भी एक एक आता है रेजिस्टेंस बेस्ड और एक आता है पावर बेस्ड, ठीक है। और फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, देख रहे हो फॉर्मूला करने से फटाफट मैं कर पा रहा हूँ। तो अप्रॉक्सीमेटली 25, देखो वीडियो का लेंथ हुआ 25-30 मिनट, तो 30 मिनट में मैं ऑलमोस्ट 30 मार्क्स, 27 मार्क्स, शायद 27 मार्क्स कवर कर पा रहा हूँ। समझ में आना कितना जल्दी, हार्डली ये एग्जाम में 40 मिनट लगेगा, 40-45 मिनट तुम लोग के लिए, ठीक है। 50 मिनट भी लगेगा ना तो वो भी अच्छा है, 27 मार्क्स 50 मिनट में करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद और भी तुम्हारे पास मोर देन 2 आवर्स रह गया, मोर देन 2 आवर्स में बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री कर पाओगे इजीली, ठीक है। तो आई होप ये जो सैंपल सैंपल पेपर नहीं है, ये प्रीवियस ईयर पेपर है 2024 का, ये तुम लोग को हेल्प करेगा टाइप्स ऑफ क्वेश्चन पैटर्न को जानने में। एंड इस तरीके का और भी क्वेश्चन पेपर मैं धीरे धीरे लाऊंगा, और भी सैंपल पेपर एंड अलोंग विथ प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन है 2023-22 में किस तरीके का क्वेश्चन आया है वो भी इस तरीके से सॉल्व करके दूंगा, ताकि तुम लोग को आसान हो जाए, कि एक आइडिया मिल जाए ना कैसे होता है। फिर नेक्स्ट मैं केमिस्ट्री और बायो का भी डिस्कस करूंगा इस तरीके से। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड उसका आंसर ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, ठीक है। चलो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम, थैंक यू।